और उधर राजगीर में मलमास मेले की शुरुआत हो गई है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मलमास मेले का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वो सरस्वती घाट का शुभारंभ करेंगे और गंगा महाआरती में शामिल भी होंगे। ये महाआरती बनारस के गंगा घाट के तर्ज पर आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे पटना से राजगीर के लिए रवाना होंगे और उनके साथ कई मंत्री और कई विभागों के अधिकारी साथ जाएंगे। एक महीने तक चलने वाले इस मेले में खास व्यवस्था की गई है। मेला का आयोजन पर्यटन विभाग की ओर से किया जा रहा है। विभाग ने मेले की पूरी तैयारी की है। सरस्वती घाट को सुंदर बनाने के लिए घाट पर भगवान शिव की एक प्रतिमा भी लगाई गई है और शिव की प्रतिमा के जटा से गंगा के समान जल की धारा बहती है। मलमास मेला में इस बार 4 शाही स्नान होंगे। पहला शाही स्नान 29 जुलाई को एकादशी के दिन होगा। और राजगीर से इस वक्त संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, इस ऐतिहासिक मलमास मेले का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा, कैसी तस्वीरें, साज सजावट और तैयारी कैसी दिख रही है इस वक्त राजगीर में? बिल्कुल, देखिए रश्मि, जो अब औपचारिकता है वो पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन की प्रतीक्षा है। हालांकि राजगीर मलमास मेले का की शुरुआत तो एक तरह से सोमवार से ही हो गई थी और कल मलमास मेले का उद्घाटन भी हो चुका था, यानी कि संतों के द्वारा, यहाँ जो धर्मावलंबी हैं उनके द्वारा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन विधिवत आज होगा। और हम अभी जो ये सप्तधारा ब्रह्मकुंड है उसके पास खड़े हैं और मुख्यमंत्री का कुछ देर में ही आगमन होगा और माननीय मुख्यमंत्री यहां पे पहुंचेंगे और विधिवत इस राजकीय मेले का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए यहां के जिलाधिकारी कैंप किए हुए हैं और लगातार मुआयना कर रहे हैं। यहां पे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो चप्पे चप्पे पर तैनात है, यानी कि कहीं किसी तरह की कठिनाई ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री 11:35 पर यहाँ सर लेकिन यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद फिर इसका विधिवत वो उद्घाटन करेंगे। तो मुख्यमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है और सभी जो अधिकारी हैं वो इसका मुआयना करेंगे। डीएम खुद इसका मुआयना कर रहे हैं, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था एकदम बिल्कुल चाक चौबंद है। देखिए कि किस तरह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है। देखिए ये सप्तधारा ब्रह्मकुंड कहा जाता है इसको, और इसमें कहा जाता है कि सालों भर गर्म जल यहाँ से निकलता है और इसमें ये कह सकते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक ताप जो है उससे लोगों को मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे निरंतर जो है सो जल का, गर्म जल का प्रवाह होते रहता है। तो ये अविरल धारा यहाँ पे बह रही है और किस तरह से देखिए ये दर्शाया गया है, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई है। गणपति की मूर्ति है, भगवती दुर्गा की मूर्ति है, भारद्वाज मुनि की मूर्ति है और देखिए ये सप्त जल धारा है। लोग यहाँ से आते हैं और सातों जो धारा है गर्म जल है और कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक ताप से लोगों को यहाँ पे मुक्ति मिलती है, यानी कि इस धारा में स्नान करने से लोगों के जन्म के जो सारे पाप हैं वो तो धूल ही जाते हैं। विभिन्न तरह की जो बीमारियां हैं रश्मि, उस बीमारियों से भी लोगों को निजात मिल जाती है। और ये सप्त धारा कुंड है और कहा जाता है इसमें गंगा, जमुना, सरस्वती सभी की जो है सो धाराएं यहाँ पे बहती हैं। और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के देखिए तैयारी पूरी की जा रही है, अंतिम चरण में तैयारी है और इस सप्त धारा से निरंतर जल बह रहा है। राज्य सरकार ने इस परिसर को खूबसूरत बनाया है, यानी कि पूरी परिसर को सुसज्जित किया गया है, पूरी तरह से यहाँ के साफ सफाई की गई है, यहाँ जो व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतर की गई है। तो एक तरह से कहिए कि यहाँ ये धारा से जो अविरल गर्म जल निकल रहा है वो काफ़ी पवित्र है और स्वच्छ है, ये पहाड़ का है। और कहा जाता है कि इस जल से नहाने से आपकी जितनी भी शारीरिक बीमारी है वो दूर हो जाती है, खास करके चर्म रोग के लिए ये सबसे बेहतर जल माना जाता है कि जिनके जिनको कहीं न कहीं चर्म रोग हुआ है वो अगर इस जल का हम सेवन करते हैं तो उन्हें इसका लाभ मिलता है। देखिए ये ब्रह्म कुंड है और इस कुंड में
ही लोग स्नान किया करते हैं, यहाँ पे आते हैं लोग स्नान करते हैं और फिर अपने पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। देखिए ब्रह्मकुंड का स्नान भी अधिक जल भी बिल्कुल साफ है, कितने बेहतर है एकदम, और राज्य सरकार ने पूरी इसकी व्यवस्था की है, यानी कि बेहतर जो व्यवस्था हो सकती है वो की गई है कि जल को बिल्कुल स्वच्छ रखा गया है, कहीं पर कोई दिक्कत न हो इसके लिए समुचित व्यवस्था की गई। देखिए माननीय मुख्यमंत्री यहीं पे पहुंचेंगे और यहाँ पे वो पूजा अर्चना करेंगे। देखिए यहाँ के जो पंडा समाज के लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, विधिवत पूजा का उद्घाटन करेंगे, क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? सबसे पहला चीज तो कल हम लोगों का तीर्थ पूजन हो गया, ध्वजारोहण हो गया, लेकिन आज माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा यहाँ वैदिक मंत्रों के साथ वह भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन करेंगे, उसके बाद ध्वजा जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद हमारे सरस्वती नदी का जो उनका जितना प्रशंसा की जाए वो कम है, वो गंगा आरती के लिए बहुत कुछ किए, इसलिए हम लोग तीर्थ पुरोहित गदगद है उनका इस कार्यों से। हम लोग हम ही नहीं, मेरे पूरे राजगीर की जनता, बिहार की जनता धन्य हो गए कि इस तरह की व्यवस्था हुआ। और उसके बाद वहाँ वो हम लोग सरस्वती घाट का वो पूजन करेंगे। क्या महत्व है राजगीर का? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा वसु थे, उन्होंने सतयुग में एक वाजपेयी यज्ञ किए थे, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण करके इस राजगीर के पावन भूमि पर बुलाए थे, उसमें ऋषि मुनियों लोग को भी आमंत्रण मिला था। जब ऋषि मुनि को आमंत्रण मिला तो उनकी इच्छा हुआ कि कोई गंगा में नहाकर भगवान की सेवा करे, कोई जमुना, कोई गोदावरी, कोई नर्मदा, कोई कावेरी, सब अपने अपने इच्छा जाहिर किया बसु के सामने। तो बसु को ये विडम्बना उत्पन्न हुआ कि इनको हम आमंत्रण करके तो यहाँ बुला लिए, पर इनकी इच्छा को पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए, बताए कि इनको तो हम बुला के लाए, इनकी इच्छा की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं? तो भगवान ब्रह्मा ने उनको बताया कि आप 12 बरस तप करोगे तो इन ऋषि मुनियों की इच्छाओं की पूर्ति आप कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के आदेश से राजा वसु ने वाजपेयी यज्ञ के लिए 12 वर्ष तप किए, तो यहाँ 22 कुंड बामन धाराओं का संगम बना, जो आज आपका विराजमान है, जो आपको गंगा जमुना के रूप में भी है, सरस्वती है, बैतरणी है, गोदावरी है, सीता कुंड है, व्यास ऋषि मुनि का कुंड है, नारद ऋषि का कुंड है, अनंत भगवान का कुंड है, सब आज विराजमान है उनके रूप में। और वह जो है जग वह सफल हुआ और उनकी इच्छाओं की वो पूर्ति किए। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, जिनकी मृत्यु मास में न महीना न दिन में न रात में, ये उनको वरदान प्राप्त था। तो भगवान ने वही महीना को निहित रखा कि इनकी मृत्यु उद्धार उसी महीना में होना था, इसलिए वो उसी महीना को निहित रखे और वो महीना इसी राजगीर के पावन भूमि पर मेला लगा। महीना का सबका अलग महत्व था, परंतु जब वो महीना भगवान विष्णु के पास गया, बताया कि आपने तो हमारा निर्माण किया लेकिन हमारा कोई मान्य नहीं है, तो बताया कि 2.5 साल और 3 साल के बीच जो ये पावन महीना आएगा, सभी महीनों में ये उत्तम महीना होगा और मैं अपना नाम इस महीनों को देता हूँ, इसका नाम पुरुषोत्तम होगा, जो महीना सभी महीनों में उत्तम है इसीलिए वो पुरुषोत्तम है। दूसरी चीज है कि 2.5 साल और 3 साल के बीच जो भी उनसे भूल चूक हो गया हो, उन्होंने बताया कि इस महीने में जो वह कार्य दिल से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, उनकी सारी भूल चूक क्षमा जो है वो माफ हो जाएगा और आस्था का डुबकी जहां भी लगाएंगे दिल से, हर लोगों की कामना पूर्ण होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सारे श्रद्धालुओं एवं लोगों को बताएंगे कि हमारे के यहाँ भगवान सब विराजमान है, आप यहाँ आए, आस्था का डुबकी लगाएं और आपकी सारी मुरादें पूर्ण होगी। धन्यवाद। तो ये रश्मि देखा है आपने कि यहाँ के जो मुख्य पंडा हैं उन्होंने क्या कहा, राजगीर का क्या महत्व है, इसका क्या ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, और सप्तधारा यानी कि सातों नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, ऐसा लोगों का मान्यता है और लोगों को ये ऐसी जानकारी है लोगों के पास कि ये सातों कुंड जो हैं वो अलग अलग फिर धाराओं में बदली है, यानी कि वो बड़ी बड़ी कुंड में, ये जो आप देख रहे हैं ये जो ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड में गौतम मुनि का, भारद्वाज मुनि का, विश्वामित्र मुनि का, अत्रि मुनि का, वशिष्ठ मुनि का, यानी कि जो सप्त ऋषि हैं, इन सब की एक प्रतिमा लगी हुई है, इन सब के लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं और इससे गर्म जल का प्रवाह हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के यहाँ पे पूरी तैयारी है, तैयारी कर सकते हैं अंतिम चरण में है। और अब ये
कहा जा सकता है कि विधिवत इस मेले का उद्घाटन नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने राजगीर को बहुत कुछ दिया है और राजगीर सही महीने में धर्म के साथ साथ अब टूरिस्ट पैलेस भी हुआ, यानी कि पर्यटन स्थल भी बन चुका है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री को राजगीर से विशेष लगाव है और आज वहां फिर वो आ रहे हैं। रश्मि, बिल्कुल अशोक जी, और इस मलमास मेले की अगर हम बात करें तो पूरे एक महीने तक ये मेला चलेगा, श्रद्धालु आएंगे और जो यहाँ कुंड है, सातों कुंड, उसमें स्नान करके जो है उन्हें सुख मिलेगी, अच्छी अनुभूति होगी। तो प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ करवाई गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक व्यवस्था की तो हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से दुल्हन की तरह राजगीर को सजाया गया है। और जो ये मंदिर हैं, तो ये चाहे सप्त ब्रह्म कुंड मंदिर हो या जो भी मंदिर हैं, उनकी साज सज्जा पर पूरी तरह ध्यान दिया गया है और उसको खूबसूरत रंग रोशन किया गया है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के भी आप देख रहे हैं कि सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से उसको खूबसूरत बनाया गया। और जो मंदिर है यहाँ पे, उन मंदिरों को भी सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है। यानी कि राजगीर मेला को अभूतपूर्व बनाने में यहाँ के जिला प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है और मुख्यमंत्री लगातार राजगीर आते रहे हैं। जब अभी भी वो नालंदा आते हैं तो राजगीर आते हैं, रात्रि विश्राम नीतीश कुमार का यहाँ पे होता है, तो विशेष लगाव है। और इसी लगाव का परिणाम है कि आज नालंदा की सूरत बदली है, राजगीर की सूरत बदली है। और सबसे बड़ी बात है कि राजकीय मेला का जो इसे दर्जा दिया गया राजगीर मलमास मेला को, उसको अब उसका विधिवत उद्घाटन करने के लिए नीतीश आ रहे हैं और विधिवत कुछ देर में इसका उद्घाटन होगा। और फिर ये आम जो श्रद्धालु हैं, आम जो धर्मावलंबी है, उनके लिए यह खोल दिया जाएगा। रश्मि, बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, तो इंतजार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। अशोक जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।